शैलेंद्र मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, पहले से ही यह आरोप उत्तर प्रदेश के कई अधिकारियों पर लगते रहे हैं कि वो सरकारी दबाव में बहुत कुछ गलत होने देते हैं। एक बार फिर ये तस्वीरें सामने हैं, प्रचार का वक्त कल ही शाम में खत्म हो चुका है, आज 6:45 भालचंद्र यादव इतनी बड़ी भीड़ के साथ सड़कों पर उतर गए, उन्हें रोका तक नहीं गया। ये बिल्कुल आपको बता दें आशीष जी, प्रशासन जो है पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। निश्चित ही निष्पक्ष चुनाव, ये चुनाव की मंशा है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, लेकिन जिला प्रशासन जिस तरह से नाकामी दिखा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता है। जी, ये तस्वीरें साफ बता रही है, निष्पक्ष चुनाव तो बाद का मसला है। लगभग 24 घंटे बाद, प्रचार खत्म होने के लगभग 24 घंटे बाद इतनी बड़ी रैली वो कर रहे हैं, इस तरह के जुलूस निकाल रहे हैं, उन्हें रोका तक नहीं जा रहा है। आम आदमी कैसे भरोसा कर ले कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं यूपी में, कैसे कोई मान लेगा? क्या किसी अधिकारी साहब की बात हुई शैलेंद्र? नहीं, हमारे इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कुछ भी इस पे कार्रवाई करने से इनकार किया और उनका ये कहना था कि हमारे पास कोई ऐसी फुटेज नहीं है, आपके कैमरे में ये रिकॉर्ड है और आप इसकी सीडी दीजिए, उसके बाद मैं एसडीएम को दूंगा, फिर आगे की जो कार्रवाई होगी उसमें कुछ भी कार्रवाई करने से, जबकि हमने पूरा विजुअल उनको दिखाया। मीडिया का काम थानेदारी नहीं है, हम ये काम नहीं करेंगे कि हम किसी की फुटेज दें और वो कार्रवाई करें, तो वो कर क्या रहे हैं? उनका काम क्या है? बड़ा अजीब सवाल है ये, इस तरह के सवाल अधिकारी उठा रहे हैं। मीडिया का काम दारोगागिरी नहीं है, ये काम उनका था, वो जाने, वो फुटेज का इंतजाम करे। ये खुलेआम दिख रहा है इस तरह की तस्वीरें, कैसे आदमी आरोप न लगाए? और आरोप क्या, सीधी सी बात है कि मशीनरी जो है वो सपोर्ट कर रही है। ये देखिए, जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में संलिप्त है और निश्चित ही प्रशासन इसमें पूरी मदद कर रहा है। आपको बता दें कि अभी शैलेंद्र भालचंद्र यादव सांसद और कुछ दिनों पहले इन्होंने धमकी दे रखी थी बाजाबता, वो खबरें हम लोगों ने चलाई थी, इन लोगों ने कहा था कि कौन बिजली काटने आता है, समाजवादी पार्टी को जिताओ और कोई तुम बिल मत दो, कोई बिजली काटने नहीं आएगा। ये वही सांसद है, इन पर कोई कार्रवाई उस वक्त भी नहीं हुई थी, आज भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर आदमी दावे के साथ कह सकता है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये देखिए, प्रशासन पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ संलिप्त है और उत्तर प्रदेश भर में सपा की सरकार है, जिसके कारण अधिकारी किसी भी प्रत्याशी के बारे में कुछ भी करने से पहले पूरी तरह से कतरा रहा है और प्रशासन हीरा हवाली कर रहा है। जान बूझ करके प्रशासन ये जा रहा है कि अगर हम इनके खिलाफ जैसे ही कार्रवाई करेंगे प्रशासन को तुरंत यहाँ से हटा दिया जाएगा, जिसके कारण लोग अपनी नौकरी को बचाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं कि हमको कुछ न सहना पड़े। जी, आप हमारे साथ बने रहिए शैलेंद्र, हम लगातार वहां के डीएम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि संत कबीर नगर के जिलाधिकारी से इस मसले पर हमारी बात हो पाए, लेकिन बात नहीं हो पा रही है, वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आम लोगों के लिए ये खबर है, डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, संत कबीर नगर के डीएम हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, चुनाव का वक्त है। अधिकारी कितने मुस्तैद हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि जिलाधिकारी का फोन पिक नहीं हो रहा है, डीएम फोन नहीं उठा रहे हैं और समाजवादी पार्टी आचार संहिता को अपने पांव तले कुचल रही है। संत कबीर नगर में धज्जियां उड़ रही है कानून की, दबंगई दिख रही है एक पार्टी की, एक नेता की, चुनाव के कानूनों की। अधिकारी बोलने को तैयार नहीं, अधिकारियों का फोन नहीं उठ रहा है। इसी से अंदाजा लगाइए कि जब ये आरोप लग रहे हैं कि यूपी में सरकारी मशीनरी सरकार में बैठी पार्टी के लिए काम कर रही है, तो फिर उन आरोपों को हम निराधार कैसे कह दें? तस्वीरें आपके सामने हैं, संत कबीर नगर की तस्वीर है, कल शाम 5:00 चुनाव प्रचार का आखिरी वक्त था, आज शाम 6:45, 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुके हैं चुनाव प्रचार पर रोक के, और भालचंद्र यादव ने इतनी बड़ी रैली कर दी। राज्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा का भी फोन पिक नहीं हो रहा है, वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं, इस पर जवाब देने की स्थिति में यूपी का कोई अधिकारी नहीं है। तस्वीरें आपके सामने हैं,
कल चुनाव है और अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, राज्य निर्वाचन अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, संत कबीर नगर का डीएम फोन नहीं उठा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं, चुनाव कानूनों को किस तरह रोदा जा रहा है, जरा ये तस्वीरें देखिए, संत कबीर नगर की तस्वीर आपके सामने है, प्रचार पर पूरी तरह से रोक है, 24 घंटे बाद इस तरह की रैली कर रहे हैं भालचंद यादव, न एक पुलिस का जवान दिख रहा है, न प्रशासन का अधिकारी दिख रहा है, न कोई प्रशासनिक अधिकारी इस पर जवाब देने को तैयार है, तस्वीरें आपके सामने है। बावजूद इसके निर्वाचन अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं, तो उन दावों पर हम कैसे भरोसा कर लें। लोकतंत्र पर करारा हमला दिख रहा है संत कबीर नगर में, पूरी डेमोक्रेसी को संत कबीर नगर में हजारों पांवों के तले कुचला जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी घरों में दुबके हैं, जिम्मेदार अधिकारी गायब हैं, लापता हैं, खामोशी के साथ कहीं छुपे बैठे हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है कि रोक सके इस रैली को, और नैतिक ताकत नहीं है कि जवाब दे सके, आम आदमी के सवालों का वो कोई फोन नहीं उठा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं संत कबीर नगर की। ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं भालचंद यादव, उनकी रैली है, आज शाम 6:15 ये रैली हुई है, जबकि निर्वाचन कानूनों के तहत कल शाम 5 ही प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई है, प्रचार का वक्त खत्म होने के 24 घंटे बाद इतनी बड़ी रैली की है समाजवादी पार्टी के सांसद भालचंद यादव ने। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले आपको हम जानकारी दे दें, और वाजपेयी साहब, संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी के सांसद भालचंद यादव ने आज शाम 6:15 एक बड़ा प्रदर्शन किया, बड़ी तादाद में लोग उनके साथ थे, नारेबाजी कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, कल ही चुनाव है, कल शाम 5 ही चुनाव प्रचार पर रोक लग गई है, बावजूद इसके भालचंद यादव के इस प्रदर्शन को रोकने के लिए न कोई अधिकारी दिखा, न कोई पुलिस का जवान, और अब यूपी का कोई अधिकारी इस मसले पर जवाब देने को तैयार नहीं है, हम कैसे मान लें कि सुबह में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? संयम है कोतवाल तो डर काहे का, बार बार हम भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन अज्ञात कारणों से मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग भी मूक दर्शक की भूमिका में है। समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में अधिकारियों को दबाकर काम ले रही है, और अधिकारी लाचार और बेचारगी की स्थिति में है, और आयोग के निर्देश उनके लिए बेमानी है। हजारों की तादाद में लोग सड़क पर हैं सर, इतनी बड़ी रैली हो रही है, लोकतंत्र को हजारों पांव एक साथ कुचल रहे हैं, कैसे बचेगा लोकतंत्र अगर ये हालात रहे तो? लक्ष्मीकांत जी, मैं तत्काल अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बताता हूँ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी फोन नहीं पिक कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, और मैं वहाँ के डीएम और कप्तान दोनों डीएम फोन नहीं उठा रहे हैं, हम लगातार डीएम से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, डीएम फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे डीएम के तो पिताजी भी फोन उठाएंगे जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी मिलाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, संत कबीर नगर का डीएम फोन नहीं उठा रहा है, हजारों पांव एक साथ लोकतंत्र पर हमले कर रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप। लक्ष्मीकांत जी, तस्वीरें कहां से देखूं, मैं तो बनारस में सड़क पर खड़ा हूं सर, आसपास कहीं टीवी देख सकते हैं, किसी भी दुकान में। लेकिन मैं आपसे सहमत हूं, और मैं भी तुरंत मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात कर रहा हूं, और अगर इस प्रकार का प्रदर्शन हुआ तो हल एक है कि डीएम कप्तान तत्काल हटाकर वहां से उनको निलंबित किया जाए, और नए कप्तान डीएम को तैनात किया जाए, और चुनाव को अगले चरण के लिए स्थगित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के न्यूज से जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है तस्वीर आपके सामने, जरा देखिए किस तरह से निर्वाचन कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भालचंद यादव और उनके समर्थक सड़कों पर हैं, हजारों की तादाद में सड़कों पर है, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं अब चुनाव में, बावजूद इसके इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया, जिला प्रशासन के लोग चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। और बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।